यूं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमने कई प्यारी प्यारी जोड़ियां देखी, लेकिन जो जोड़ी दर्शकों के दिल में उतरी थी वो है डिंपल कपाड़िया और सनी देओल की जोड़ी, जिन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया है और एक दूसरे से दिल भी लगाया है, पर इनका प्यार शादी के मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन वो क्यों, कैसे और क्या है इनकी शुरुआती दौर की रियल लव स्टोरी, आज हम आपको इस वीडियो में यही सब बताने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत, मगर उससे पहले इन दोनों के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले। अपने 2.5 किलो वाले दमदार डायलॉग से मशहूर अभिनेता सनी देओल 80 और 90 के दशक के वो दमदार हीरो है जिन्होंने अपने दम पर अपना करियर सक्सेसफुल बनाया है। वही डिंपल कपाड़िया भी अपने दौर की सबसे हसीन एक्ट्रेस रही है जिन्होंने खुद को कामयाब बनाने के साथ बॉलीवुड का नाम भी रोशन किया है, इसलिए इन दोनों को ही आज किसी अलग पहचान की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ये दोनों रिलेशनशिप में रह चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा था जब अभिनेता सनी देओल का एक्ट्रेस अमृता सिंह से ब्रेकअप हुआ था और डिंपल भी पति राजेश खन्ना का घर छोड़कर दोबारा एक्टिंग की दुनिया में आ गई थी, जिसके चलते दोनों का ही दिल टूटा था। ऐसे में दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया। दरअसल आपको बता दें, अभिनेता सनी देओल ने अपनी डेब्यू फिल्म बेताब से पहले ही पूजा देओल से शादी कर ली थी और शादीशुदा होने के बाद वो एक्ट्रेस अमृता सिंह से दिल लगा बैठे थे, लेकिन जब ये राज खुला तो अमृता आग बबूला हो गई थी और उन्होंने सनी से किनारा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया ने अपने डेब्यू ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी के बाद सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली थी और फिल्मों को अलविदा कह दिया था, लेकिन दोनों की शादीशुदा जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं चली और रोज रोज के झगड़े और पाबंदियों से तंग आकर डिंपल ने पति का घर छोड़ दिया और दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। और फिर पति से अलग होने के बाद डिंपल के जीवन में सनी देओल आए। सनी ने इनके साथ नरसिम्हा, अर्जुन और गुनाह जैसी कई फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में दोनों की जोड़ी ऑन स्क्रीन हिट भी साबित हुई, जिसके बाद असल जिंदगी में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और इनके अफेयर की खबरें सामने आने लगी। जी हाँ, असल में फिल्मों में साथ काम करते करते डिंपल को सनी देओल से प्यार हो गया था। हालांकि ये बात ना कभी डिंपल और ना ही कभी सनी देओल ने स्वीकार की, लेकिन दोनों को काफी बार साथ में वक्त गुजारते देखा गया, जिससे लोगों ने प्यार का कयास लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये हकीकत थी। वो क्यों? क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद सनी ने डिंपल को अपनी बीवी जैसा दर्जा दे रखा था। कहा जाता है दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। यहाँ तक कि खबरों के मुताबिक डिंपल की दोनों बेटियां सनी को छोटे पापा कहकर भी बुलाती थी, लेकिन अपने प्यार को कभी एक्सेप्ट ना करने के चलते इनकी लव स्टोरी का दी एंड हो गया था और दोनों ने अपनी घर गृहस्थी को संभालना जरूरी समझा, इसीलिए इनके रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए। वहीं खबरें तो ये भी आई थी कि पूजा देओल ने सनी को ये धमकी दी थी कि अगर इन्होंने डिंपल को नहीं छोड़ा तो अपने दोनों बच्चों को लेकर सनी से दूर चली जाएगी। फिर क्या, इसके बाद तो अभिनेता सनी देओल ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ही रहने का फैसला किया, पर फिर भी डिंपल और इनके प्यार की अफवाहें उड़ती रहती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया और सनी देओल की लव स्टोरी? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।